आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चार में से दो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो दो आरोपी हैं उनकी तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। तो बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए, गैंगरेप का मामला है और इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने चार में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो दो आरोपी हैं अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, उनकी तलाश जारी है लगातार। तो बड़ी और अहम खबर बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर क्षेत्र का यह मामला और गैंगरेप के जो दो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी दो आरोपी की तलाश अभी जारी है। पूरा मामला जो है आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से जुड़ा है, गैंगरेप का यह मामला सामने आया था, आदर्श नगर क्षेत्र का यह मामला, और इस मामले में आपको बता दें कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और अहम खबर, आरोपियों ने अगर बात की जाए तो दो आरोपी अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, तो चार में से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है और दो आरोपी फिलहाल पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, इनकी तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। बल्लभगढ़ से यह मामला जुड़ा हुआ है, गैंगरेप का यह मामला, और पुलिस की तरफ से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी दो आरोपी अभी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, इनकी भी तलाश की जा रही है। और जैसा कि ये दो जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनसे भी कुछ सुराग हाथ लग सकते हैं।